रूस के हमले से प्रभावित यूक्रेन में संभल के 13 लोग फंसे हुए हैं। अधिकांश मेडिकल के छात्र हैं। युद्ध के बाद उनके परिजन बच्चों को लेकर आशंकित हैं। LIU ने जिले के 13 लोगों की यूक्रेन में फंसे होने की पुष्टि की, जिसमें से अधिकांश वहां MBBS की पढ़ाई को गए हैं। ऐसे ही एक छात्र फैजान अशरफ के माँ बाप अपने बच्चों को लेकर आशंकित हैं। हालांकि उनके अपने पुत्र से फ़ोन पर बात हो रही है। उन्होंने उस यूनिवर्सिटी को भी युद्ध स्थल से काफ़ी दूर बताया है। वहीं दूसरे छात्रों के परिजन यूक्रेन में भारी गोलीबारी और खाने पीने के सामान की किल्लत की बात कह रहे हैं। सभी छात्रों के पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने बच्चों को यूक्रेन से भारत लाने की गुहार की है। क्या नाम है सर आपका? मुझे फरुखान है। आपके बेटे का नाम क्या है? मोहम्मद सोएब। वो यूक्रेन में पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, कब गए थे वो? वो 21 अगस्त में गया था। आपके बेटे से आपकी अंतिम बात कब हुई थी? हाँ, सुबह भी मेरी बात हुई है से। क्या बता रहे थे? यही बता रहे थे साहब, इस टाइम जो है कल तक तो यहाँ पे हम सुरक्षित थे, लेकिन रात से जो वहाँ पे बमबारी लगातार हो रही है उसी सब दहशत में है, और वहाँ की जो पब्लिक है वो भी दहशत में है, और लोग खाने पीने का सामान जुटा रहे हैं, और जो सुपर मार्केट थी वो भी बंद हो गई हैं, कॉलेज भी बंद कर दिया गया है। यूक्रेन के कौन से शहर में, मतलब आपके बेटे? वो मोहम्मद सोएब जो है ये पुलतावा शहर है, यूनिवर्सिटी का भी नाम पुलतावा है, तो उसी में है। सरकार से क्या मांग करते हैं? आपके बेटे से बात हुई, बेटे ने बताया कि हम बमबारी तो कल तक सुरक्षित, आज रात से बमबारी हुई, तो मतलब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखिए सरकार से क्या मांग है, सरकार से यही है कि सरकार कोई ऐसा रास्ता ढूंढे जो अपने देश के बच्चे हैं जितने भी, उनको वापस लाए, और हो सके तो उनको निःशुल्क वापस लाया जाए, क्योंकि उसमें कुछ अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके पास किराए की दिक्कत है, उन्होंने ऐसे तैसे बच्चों को भेजा है, और अब उन कुछ की ऐसी भी स्थिति है जिनके पास किराए के लिए पैसे भी नहीं है। मुझे प्रश्न साहब, क्या आपसे किसी सरकारी अमले के किसी अधिकारी ने संपर्क करने की कोशिश की, आपके पुत्र के बारे में कोई जानकारी जुटाने की कोशिश की? नहीं, अभी तक तो किसी सरकारी अधिकारी से हमारी कोई बात नहीं हुई है, और ना ही हमसे किसी ने संपर्क करा है, और हम लोग भी थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, तो हमें भी ज़्यादा जानकारी ना है जो किसी अधिकारी से या किसी से बात कर सकें।